नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई कि आप कैसे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की प्रिपरेशन करेंगे और उसमें अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं यानी मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और पहला टॉपिक भी जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई परसेंटेज, आज हम थोड़ा सा आपको जो है कि कैसे एएलपी में क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग आ जाएं भाई, सबको कन्फर्म है यानी शाम को 7 बजे हमारी क्लास डेली, शाम को 7 बजे इवनिंग में यानी शाम को 7 बजे डेली मैथ्स की क्लास होगी। अब एएलपी की क्लास हो या जो भी रिसेंटली वाले पेपर आने वाले हैं सबकी क्लास होगी। और ध्यान दीजिएगा, अभी हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट पेपर भी एएलपी का सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा जिनको और कोई भी टॉपिक पढ़ना हो बिल्कुल आप चाहिएगा और लिखिएगा स्टडी 91 पर। मान लीजिए आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ना है, लिखिएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस बाई शिवानंद सर, यानी बिल्कुल शिवानंद सर के नाम से आप डालेंगे तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। कोई भी टॉपिक आप, यानी मैक्सिमम टॉपिक हम सब पढ़ा चुके भाई, इसके पहले यूपी पुलिस में हुआ या सीएचएसएल का हुआ या ओवरऑल जितने भी एग्जाम्स आते हैं मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर चुके हैं ना। तो फिलहाल अभी हम आज एएलपी की बात करेंगे यानी असिस्टेंट लोको पायलट की अगर हम बात करेंगे तो आपको कन्फर्म होगा भाई कि कितने चैप्टर्स आते हैं यानी असिस्टेंट लोको पायलट में। देखो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कन्फर्म आते हैं, यानी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि इवन नंबर हुआ, ऑड नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ, या जो है आप देखोगे कि कैसे यूनिट डिजिट इकाई का अंक हुआ, नंबर ऑफ जीरोस क्या हुए, या जो है फैक्टोरियल निकालने का आता है, फैक्टर्स निकालने को आएगा इस तरीके से, या जो है रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस बनेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पे बनेंगे, यानी नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चंस कन्फर्म है। यानी अब आप कहोगे सर कैसे, यानी देखो 2 स्टेज होगा, CVT 1 और CVT 2। ध्यान दीजिए CVT 1 और CVT 2 दोनों में जो मैथ्स के क्वेश्चंस बनेंगे टॉपिक लगभग सेम है, बस लेवल का अंतर होगा। यानी CVT 1 में थोड़ा सा इजी लेवल रहेगा और CVT 2 में थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा, बस लेवल का डिफरेंस है, टॉपिक सारे वही हैं। हम दोनों को कवर करते हुए चलेंगे यानी इजी और मॉडरेट दोनों में क्वेश्चंस रखेंगे। तो कोशिश करिएगा अगर एक बार आप CVT 1 की प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो CVT 2 के सारे क्वेश्चंस लगभग क्वेश्चंस उसी से बनेंगे और बाकी अलग से टॉपिक भी आप लोगों को डिस्कस करेंगे ना। यानी नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चंस। अब कितने क्वेश्चंस आएंगे आप लोग कंफर्म भाई, CVT 1 में आपको लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास बनते ही बनते हैं ना, तो 20 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे उनकी बात करें। वॉट मास आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, वॉट मास यानी सिंप्लीफिकेशन वाले, कैसे मल्टीप्लाई हुआ, एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, साइन का यूज कैसे करोगे, ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, ये भी आपको हम बता चुके हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं ना। डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस यानी डेसिमल्स वॉट मास को रिलेट होके बनते, फ्रैक्शन भी आप लोगों को अलग से डिस्कस किया, यानी भिन्न जो है भिन्न जो बनेगा फ्रैक्शन भिन्न, ये भी एलसीएम एचसीएफ से डेफिनेट एक क्वेश्चन आएगा, यानी लासा और मासा वाले क्वेश्चंस आते ही आते। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, इससे क्वेश्चंस बनेंगे और रेशियो और प्रोपोर्शन का आपको एडवांस लेवल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको हम टेक्स्ट पेपर के माध्यम से या जो है अलग से जो है स्पेशली जो एएलपी में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के उस टाइप के डिस्कस करेंगे ना। परसेंटेज जो सबको रिलेट करने वाला टॉपिक है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का, बिल्कुल बेसिक, ठीक है ना। परसेंटेज आएगा, मेंसुरेशन कंफर्म आएगा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं और ये वो भी ऐसे आते हैं ना कि फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला अगर आपको सब पता है यानी मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों, यानी आप ट्रायंगल की बात करो, स्क्वायर की बात करो, या सारे जितने भी 3D डायग्राम्स होते हैं यानी क्यूब, क्यूबाइड, या सर जो है बेलन की बात करो, शंकु की बात करो, शंकु छिन्नक की बात करो, सबके फॉर्मूले अगर पता है तो आसानी से बता दोगे। टाइम एंड वर्क यानी टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम दोनों एक पर ही है, दोनों आते हैं, यानी कार्य और समय वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये सब आपको बता चुके हैं। टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे अर्थमेटिक में, ये सब टॉपिक आपको डिस्कस किए, ध्यान रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी बता चुके हैं, इससे 1 से 2 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन ज्यादातर कन्फर्म होते। लाभ और हानि के क्वेश्चंस कन्फर्म, अलजेब्रा के क्वेश्चंस कन्फर्म, एक क्वेश्चंस आएंगे हर बार आएंगे 1 से 2 क्वेश्चंस। और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री यानी ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो सकता है, वो हो सकता है मेंसुरेशन को रिलेट करके ज्योमेट्री आए या डायरेक्टली जो है एंगल वाले आ जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग 9th और 10th में पढ़ते होंगे, वही आते हैं, बहुत टफ नहीं होते ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बार पढ़ लोगे, बल्कि यहां डिस्कस भी किया, बिल्कुल आसानी से।
हाँ ये ध्यान देगा एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्टैटिक्स हमने नहीं बताया अभी सांख्यिकी इस चैनल पे, तो ये हम आपको बता देंगे बिल्कुल आसान से। मीन मीडियन मोड कैसे आप बताते हो, यही यानी आप पढ़े होंगे ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो सारी चीजें जो है स्टैटिक्स के अंदर बेसिक चीजें आती हैं वो हम आपको बता देंगे ना। स्क्वायर रूट तो बिल्कुल आपको डिस्कस कर चुके हैं, यानी एज कैलकुलेशन यानी आई वाले संबंधी क्वेश्चंस, कैलेंडर और क्लॉक देखिएगा ये आपको रीजनिंग वाले सर डिस्कस करेंगे, तो रीजनिंग वाले सर बताएंगे कैलेंडर क्लॉक कहोगे हम भी बता देंगे। और एक और देखो रीजनिंग में इन्होंने क्या किया, रीजनिंग में वो दिया है डेटा इंटरप्रिटेशन दिया है, यानी आंकड़े वाले क्वेश्चन रीजनिंग में दिया है वो मैथ्स में हम आपको डिस्कस करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशियंसी यानी जिसको डीआई एंड डीएस बोलते हैं ना, तो ये जो है इन्होंने रीजनिंग में दिया है लेकिन हम आपको डिस्कस करेंगे डीआई और डिस्कस यानी कैलेंडर क्लॉक सर डिस्कस करेंगे रीजनिंग वाले, और जो है हम डीआई और डीएस आपसे मैथ्स वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक हुए अगर आप ध्यान दिए होंगे ना सारे टॉपिक हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, चाहे फ्रैक्शंस होंगे, चाहे परसेंटेज होंगे, चाहे मेंसुरेशन होंगे, मेंसुरेशन के बहुत सारे टॉपिक, ज्योमेट्री हुए, ट्रिग्नोमेट्री हुए, सिर्फ और सिर्फ जो है आपसे हमने यानी एलिमेंट्री स्टैटिक्स डिस्कस नहीं किया है, यानी ये सारे टॉपिक्स जो है आपको मिल जाएंगे एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये हम आपको अलग से बताएंगे। और ये सारे टॉपिक्स आप लोग जो है बॉर्ड मास का नाम चेंज होगा, आप डालोगे भाई शिवानंद सर सब आ जाएगा भाई स्टडी 91 चैनल पे, सब जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल वहां से आप ये सारे पढ़ सकते हैं, और फिर से भी डिस्कस करेंगे नए तरीके से, आपको भी बताएंगे कि एलपी के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इंक्लूड करेंगे। बताइए ये आपको मैथ्स का सिलेबस कंफर्म है एएलपी का, अब आप जो है बिल्कुल सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ करेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई अपना लेवल पता होगा, जो सीबीटी 1 निकाल सकता है भाई वो सीबीटी 2 भी निकालेगा ये कंफर्म है। अब अगर डिलेमा होगा तो आपको पता तो फिर वो एक अलग केस है कि भाई अपने पर भरोसा नहीं है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो फिर वो अलग केस है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जो स्टूडेंट सीबीटी 1 निकालेंगे उनका पूरा कॉन्सेप्ट होगा भाई कि हम सीबीटी 2 में बहुत टाइम मिलेगा नहीं तो डायरेक्टली उसकी प्रिपरेशन करें ना। तो चलिए फिलहाल आज हम लोग जो है ये तो सिलेबस हो गया, बाकी फिर से अलग से आपको सिलेबस सैलरी या उन सब के बारे में आप देखिएगा स्टडी 91 चैनल पे मिल जाएगा, उसके बारे में कंप्लीट सिलेबस नोटिफिकेशन सब मिलेगा, ठीक है ना। और हम अब सीधे मैथ्स की हम बात करें, किसकी मैथ्स में बात करेंगे, जो आज जैसा कि थंबनेल आप देख रहे होंगे प्रतिशत, किसकी बात करेंगे भाई प्रतिशत की बात करेंगे बिना डिले किए हुए, प्रतिशत फिर से बल्कि डिस्कस किए हैं लेकिन फिर से बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, जिनको जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो ध्यान देंगे, उनको कोई डाउट नहीं होगा, फिर से आप नए तरीके से पढ़ेंगे, कहोगे अच्छा प्रतिशत क्या होगा सर, प्रतिशत भैया देखो प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 1/100 ना, जहां भी प्रतिशत लगा होगा जिसके भी साथ लगा होगा आप उसको बोल सकते हो प्रतिशत का मतलब 1/100, यानी आप प्रतिशत लगा होगा 1 तो कहीं भी लिख सकते हैं, यानी 1% का मतलब 1/100 मान लेंगे। अब ये n कोई नंबर है, संख्या है, इसके साथ प्रतिशत लगा है, आप क्या कहोगे सर n तो है ही है, प्रतिशत की जगह पर 1/100 लिखोगे, कहोगे हाँ सर। अच्छा कोई मान लो वेरिएबल है यानी a अपॉन b, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई डेटा है a अपॉन b के फॉर्म में, कहोगे हाँ सर a अपॉन b तो है ही है, प्रतिशत की जगह पर कितना सर 1/100। तो कोई भी नंबर डेसिमल्स के फॉर्म में कहीं किसी फॉर्म में होगा आपको ये ध्यान देना है कि भाई प्रतिशत जो है वो प्रतिशत का मान 1/100 हुआ, जो लिखा है अभी हम बता रहे हैं पहले ये समझिए। जैसे आपसे कह दिया जाए, ध्यान समझिएगा, आपसे कह दिया जाए सर 20% बराबर क्या होगा, कहोगे 20% का मतलब 20/100 होगा। अब आप इसी को जैसे इन्होंने क्या कहा प्रतिशत के मान को भिन्न और दशमलव में बदलिए, अब भिन्न का मतलब ये हुआ कि भाई हमेशा भिन्न जो है अपने लीस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, हाँ कहोगे बिल्कुल, तो 20 + 20 = 20, 25 यानी इसको 1/5 भिन्न फॉर्म हो गया। अगर डेसिमल में करना होता, आप याद करो पहले अगर दशमलव में करना होता नीचे 100 या 10 या 1000 होता तो बहुत आसान हो जाता, जैसे 10 कैंसिल आउट हुआ, 10 से यहाँ डिवाइड कर दोगे 0.2 लगा दो, यानी राइट हैंड साइड से डेसिमल लगा दो, देखो इसकी वैल्यू कितना 0.2। अच्छा सर 125% है, कहोगे सर इसको भी लिखोगे 125% 125/22, हाँ सर। अब अगर आप इसको डेसिमल में करना चाहते हैं 100 से जब भाग करोगे ना तो राइट साइड से 2 जो है प्लेस डेसिमल खिसक जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1.25, ये क्या हुआ भैया दशमलव वैल्यू हुई ना। लेकिन अगर भिन्न में करना सर, कहोगे 25 × 5 = 125, 2500 का 100 कट करके, यानी ये 5/4, ये कह सकते हो कि सर 125 यानी 100 का 125वां भाग है, यानी किसका 4 का 5वां भाग है। अच्छा वेरी गुड, और भी आप कोई कुछ भी वैल्यू लिखो, जैसे मान लो हम ये कह दें, ध्यान समझिएगा, जैसे बोले हम 66 से 2/3% लिखें सर, हाँ बिल्कुल सही है,
हम और भी वैल्यू लिख देंगे 112.5%, कहोगे हाँ सर ये भी सही है। या आपसे हम ये बोल दें कुछ मान लो 414 सही 2/7%, याद करिए बस अभी हम सिंपल कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है पहले डायरेक्टली टफ वाले और याद करो, पहले हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, बस समझिए बेसिक बेसिक। तो अगर इसको हमें भिन्न में बदलना हो, 66 को 3 से गुणा करोगे, 66 तिया कितना 198, 200 भाई 200/3 तो इसकी वैल्यू है, परसेंटेज की वजह से 1/100 लिखोगे ना, कहोगे हाँ सर। अब कट करेंगे तो इसको 2/3 क्या करेंगे भाई, भिन्न में इसकी वैल्यू हुई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है 112.5। अगर बेसिक की हम बात करें, अभी कोई ट्रिक बात नहीं कर रहे, चेंज करके भी बताएंगे, तो 112.5 की हम बात करें सर ये है 2200%, पॉइंट हटा दोगे जीरो सर, 2500 का 100, 25 पंचे 125, 2500 का 100 जीरो, फिर 5 से कटेगा 5 9 45, 5 48, यानी इसकी वैल्यू 9/8। डेसिमल्स में करना हो तो भाग कर दोगे, 100 के फॉर्म में रहने दोगे। इसकी वैल्यू आप बताओ 414 से 2/7 की वैल्यू, कहोगे कुछ नहीं करना सर, 7 को 4 से 7 4 2800, 14 7 98, 2898 प्लस 2 2900 सर, 2900/7 तो है, प्रतिशत हटाएंगे 1/100 लिखेंगे, जी सर बिल्कुल, यानी 29/7 भैया हम इसको भिन्न में लिखेंगे। इतना सबको समझ में आ रहा होगा, हमें कोई डाउट नहीं है कि आपको अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलोगे, और प्रतिशत को डेसिमल में बदलना है तो कैसे बदलोगे। चलो इसको ऐसे लिख लो भैया, जहां किसी के साथ अगर प्रतिशत लगा होगा उसका मतलब 1/100 होगा। पहले आप बिल्कुल बेसिक से देखो, हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं उसको भिन्न और दशमलव में आप बदलिए, यानी डेसिमल और फ्रैक्शन बदलिए, कैसे बेसिक से बदलिए, फिर अभी हम डायरेक्ट बताते हैं। अभी क्या बताओगे भैया, बेसिक से जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है भाई। तो पहला 60% है, ठीक है ना। दूसरा सबसे आसान 150% है। तीसरा 62.5%, याद करो। चौथा 112.5%। पांचवा ना, पांचवा आपको हम थोड़ा सा और लेंदी दे रहे हैं, 266 सही 2/3%। आप इसको बताइए फ्रैक्शन में इसका मान क्या होगा, इसको दशमलव में बताइए, डेसिमल्स में बताइए, ठीक है ना। इसका मान पहले आप फ्रैक्शन बताइए फिर डेसिमल बताइए, याद करिए जल्दी से बताइए। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नहीं अभी का वर्क है, ध्यान दीजिएगा, होमवर्क नहीं अभी का वर्क है, जल्दी से बताएंगे। एक लाइन का आंसर है, कहोगे सर सभी को पता होगा, हमें पूरी उम्मीद है इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। कहोगे 60% का मतलब सर 60/2200 ना, अगर डेसिमल में करना है तो 100 नीचे है तो बहुत अच्छी बात है, तो 06 हो गया सर ना, कहोगे हाँ सर। और अगर भिन्न में करना है सर, 1 0 2 3 6, 20 3 60, 20 5 100, 3/5 होगा सर। पहला क्लियर है, यस। दूसरा देखो 150%, 150/2200, एक कैसे डेसिमल में करना होता तो सर 1.5, हाँ सर। अगर इसमें करना तो 5 3 15, 5 2 10, 3/2, वाह। दूसरा भी सर हमने कर लिया, हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा, ठीक है। तीसरा 62.5%, 62.5/100, 100 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा सर, 0.625, यानी जीरो पहले लगा दो, देखने में अच्छा लगेगा। और वैसे करोगे देखो 25 का ये स्क्वायर है ना, और ये 2500 का 140, 5 से 5 5 25, 5 48, यानी 5/8। ये हम क्या कह रहे हैं, बेसिक कह रहे हैं, हम अभी बेसिक इसलिए बता रहे हैं जो भैया पहली बार पढ़ रहे हैं वो बेसिक देखें और फिर उसके बाद बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे ना। तो 112.5% क्या करोगे भाई, ये अगर डेसिमल में करना होता तो 1.25 ना, 1.125, दो और खिसक जाएगा ना, हाँ। और वैसे करना होता अभी बताए थे इसको ना, 2500 का 100, 25 5 125, 2500 का 100, 5 9 45, 5 48, कहोगे हाँ सर। अच्छा अब लास्ट क्या बचा सर, 66 से 2/3 बताइए। अब इसको भी कर सकते हो, इसको भाग करो, 200 को 3 से 600 हुआ, 66 को 3 से कितना हुआ 198 ना, 6 3 18, 198, तो 800/3 हुआ, परसेंट हटाओगे 1/100, हमने कोई ट्रिक नहीं अभी इस्तेमाल किया है। तो भैया 8/3 ये तो ये हुआ, लेकिन नीचे 100 नहीं है तो 3 से भाग करना होगा ना, तो 3 2 9 6, 8 में 2 बचेगा, इतना
मतलब ऐसे ऐसे ये डिवाइड नहीं होगा, 2.66666 ये रिकरिंग नंबर मिलेगा। दो प्लेस तक लिखोगे 2.67 या 2.66 लिखोगे, बताइए किसी कंफ्यूजन है। बेसिक से हम परसेंट हटाने के बाद भिन्न में और कैसे दशमलव में परिवर्तित करते हैं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये तो कोई डाउट नहीं, ये सब आसान चीजें हैं, बिल्कुल बता देंगे, वेरी गुड। ये इतना ही समझिए, अभी हम सब आपको बताएंगे, धीरे धीरे आप समझिए। अच्छा ये तो हुआ भैया, परसेंट हटाओगे तो आप उसको भिन्न में लिख दिया, जो वैल्यू है वो परसेंट हटाने के बाद 1/100 फिर लिख दिया। कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, दूसरा हेडिंग डालो भिन्न में प्रतिशत में बदलना, मतलब वही 100 का भाग, ध्यान दीजिएगा, यानी कोई नंबर है इसको प्रतिशत में बदलना है, कोई फ्रैक्शन है इसको प्रतिशत में बदलना है, याद करिए कोई डेसिमल्स के फॉर्म में है इसको प्रतिशत में बदलना है, किसी भी यानी नंबर हो वेरिएबल हो या जो है डेसिमल्स के फॉर्म में हो भिन्न के फॉर्म में, किसी को भी प्रतिशत में बदलना भाई, एक लाइन याद रखना, 100 से गुणा कर दो प्रतिशत लगा दो, देखो वहां 1/100 करते, यहां 100 से गुणा करते हैं ना, पी अपान क्यू को प्रतिशत में बदलना भाई, यानी गुणा 100 कर दो प्रतिशत लगा दो, पॉइंट एक्स को करना है, पॉइंट एक्स गुणे 100 कर दो प्रतिशत लगा दो। अब गुणे 100 का मतलब वैल्यू निकालोगे, जैसे ये कितना हुआ 10x हो जाएगा, 10x%, ये कितना हुआ आप कहोगे 100p/q%, ऐसे करोगे ना, और ये कितना हो जाएगा सर 100n%, ये भी लिख सकते हो ना, कहोगे हाँ सर। तो याद करिए हमने कहा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है, आप हमें पता अगर तैयारी कर रहे होंगे तो ये पढ़े होंगे कि प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत हानि क्या होगा, एरर परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, चेंज मतलब चेंज परसेंट जिसको बोलते हैं, सब में देखते होंगे 100 से गुणा होता होगा बाद में तब परसेंट लगाते हो, वही चीजें हैं, यानी 100 से गुणा होने का मतलब 100 का वो कितना भाग है, चाहे नंबर चाहे डेसिमल चाहे फ्रैक्शन, कितना भाग है, यानी 100 से गुणा करोगे तभी तो आपको पता चलेगा भाई कितना भाग है, कहोगे हाँ सर कुछ नहीं करना है 100 से गुणा करना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सबने कर दिया। लेकिन अब हमें इसका यूज क्या है सर, आप जो बता रहे हैं यूज देखोगे तो अब हम कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, जैसे मान लो ये 3/5 है भाई, इसको प्रतिशत बदलना है, या हम ऐसे बोल दें 1/3 है इसको प्रतिशत बदलना है, कहोगे हाँ सर, या 5/4 है इसको प्रतिशत बदलना है, हाँ सर, या 0.75 है इसको प्रतिशत बदलना, कुछ नहीं करना भाई, किसी को बदलना हो पहली चीज, 3/5 में भैया गुणा 100 कर दो तो जो आएगा आंसर हो गया, आएगा क्या 5 से 20 यानी 60%, 3/5 को 60 लिखते हो, अभी बेसिक कर रहे हैं यहां भी, अभी हम कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई ट्रिक नहीं बता रहे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक, और बेसिक अभी ट्रिक बताएंगे, पहले बेसिक थोड़ा सा आपके माइंड में आ जाए ना, 1/3 है और गुणे 100 से गुणा कर देंगे, कहोगे हम इसको 33 सही 1/3% लिख सकते हैं, भाग कर देंगे, कहोगे हाँ सर, अगर फ्रैक्शन में 5/4 है तो ये परसेंटेज में कितना होगा, कहोगे 100 से गुणा कर देंगे, 4 से 25 5 125, सर 125% के बराबर होगा, 0.75 वैल्यू में है डेसिमल्स में है तो परसेंट में कितना होगा, सर इसको गुणे 100 कर देंगे तो आप बोल सकते हो सर 0.75 75% के बराबर है, बता कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल बेसिक जो पहली बार पढ़ रहे हो, मैं पूरी उम्मीद है उनको कहीं डाउट नहीं हो रहा कि भैया अगर आपको किसी भी वैल्यू को चीज को फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दोगे, कहोगे हाँ सर। अभी धीरे धीरे बताएंगे इसका यूज क्या है, बस आप हमारे साथ बने रहे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो कुछ वैल्यू फ्रिक्वेंटली नंबर का, जैसे मान लो 33 से 1/3% निकालने को आता है, 40% निकालने को आता है, अगर हमको ये पता नहीं है तो हम टाइम लगाएंगे, अगर पता होगा तो आसानी से जल्दी बता देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जल्दी बताने के लिए हम कुछ वैल्यूज याद करते, जैसे एक है ना, तो एक को आप 100 से गुणा कर दो, क्या करोगे 100% हुआ नहीं हुआ, 100% का मतलब एक होता है, अच्छा हाफ का मतलब 50%, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया 50 हुआ कि नहीं हुआ, कहो हाँ सर। अच्छा एक चीज ध्यान दे, 1/3 को प्रतिशत में करना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 100 में 3 से भाग करेंगे, एक तो मिक्स फ्रैक्शन में 33 से 1/3 आता, लेकिन अगर डेसिमल में करेंगे 33.333 आता, मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है कि हम नियरेस्ट लिख रहे हैं, नजदीक लिख रहे हैं, तो अगर हमें इससे फिर से कहा जाए कि भैया 33.33% को भिन्न में बदलो, और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं भैया 33.33 नियरेस्ट लिखा है, तो हमारे माइंड में यही आएगा जो अभी हमने बेसिक बताया था आपको, ये आएगा परसेंट आओगे 2200, लेकिन 1/3 नहीं आएगा, 1/3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नियरेस्ट लिखा है, यहां पे हम 0.33333 रिकरिंग नंबर के फॉर्म में आएगा, याद करो 6 7 में जो रिकरिंग नंबर है, तो अभी आपको ये समझना है
कि हमें 1/3 की वैल्यू 33.3% तो होती है मिक्स फ्रैक्शन में, ये तो ठीक बात है, लेकिन डेसिमल्स में ये होती है नियरेस्ट लिखा होगा। यानी अगर ये कहेगा किसी भी नंबर का 33.33% बोलेगा तो भाई आप क्या बोलोगे उसका 1/3, ये एक्चुअल वैल्यू होगी। मतलब भले नियरेस्ट लिखे हो लेकिन एक्चुअल की तरीके से फ्रैक्शन में यूज करोगे। और भाई 1/4 25, 1/5 20, सबको पता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कुछ वैल्यूज दोनों याद रखने, जैसे भाई 1/6 है तो हमने 100 में 6 से भाग किया तो मिक्स फ्रैक्शन में ये 16 से 2/3 है, लेकिन 100/6 करोगे 16.66666 ऐसे आएगा, चाहे 16.66% ये नियरेस्ट लिखा है, यानी इसकी वैल्यू कितना है 1/6 डायरेक्ट बोलोगे, कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, यानी इससे नो कन्वर्टेबल होगा कि नियरेस्ट लिखा है ना, कहोगे हाँ सर। और 16.66 लिखा है यानी इसका मतलब तीसरा प्लेस भी 6-6 होगा, और पॉइंट के बाद अगर तीसरा प्लेस 5 या उससे मोर होता सेकंड में एक ऐड कर देते हो, यानी आप ये बोलो 16.67% है या 16.66 है, ये तो एग्जैक्ट, ये दोनों में कोई भी होगा इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल कितना 1/6 याद रखना है भाई। आप बाकी हम बताएंगे भी कैसे करोगे। 1/7 ध्यान दोगे, 100 में 7 से भाग करो 14 से 2/7, या उससे करो आप जो है कैलकुलेटर से करो 14.287 समथिंग, यानी पॉइंट के दो प्लेस तक ये लिखेंगे, याद होगा 14.28 को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो 1/7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नजदीक लिखा है भाई, नियरेस्ट लिखा है ना। अच्छा ये हो जाएगा, जहां सर्कल कर रहे हैं वो ध्यान देना। 1/9 देखो ये भी कितना हुआ भाई, एग्जैक्ट है लेकिन 9 से 9 = 9 = 0.1111, यानी पॉइंट के दो प्लेस तक यही होगा, तीसरा प्लेस 5 ज्यादा नहीं मिल रहा तो दो प्लेस तक लिखी जाता है, तो इसका मतलब ये होगा। 10 की वैल्यू सबको पता है, बस 1 से लेकर 10 तक याद है, जो हायर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये भी 1/11 जो प्राइम नंबर वाले हैं वो भी याद कर लें, 1/11 1/13 ये, बाकी सब तो ये अभी हम बताएंगे कैसे आप याद करोगे। एक बार कन्वर्ट करने का तरीका क्लियर है, 9.09 की वैल्यू 1/11 हुआ भाई, 1/12 की वैल्यू 8.33, 1/13 सब में भाई 100 में 13 से भाग करो 14 से भाग करो, सब में नियरेस्ट वाली वैल्यू आपको याद रखना, ध्यान दीजिएगा, और एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना। ये कन्वर्ट करने का तरीका है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से बनाओ, ठीक है। अभी हम याद करने तरीका बता रहे हैं। वैसे हमने 1/20 तक वैल्यू लिखा है, देखो सब में 6.25, तो जो प्राइम नंबर वाले होंगे जैसे 1/19 ना, ये जरूर याद करिएगा, 5 से 5/19 यानी 19 × 5 = 95, तो डेसिमल 5 हो गया, 19 × 38 हुआ तो 12 हुआ, 19 × 6 = 114 हुआ, यानी दो प्लेस तक ये होगा, यानी 5.26% की वैल्यू 1/19 होती है ना। तो ये हमें उम्मीद है पूरा आप एक यहाँ से याद कर लोगे। 1/17 की बात करें, इतना 17 × 5 = 85, 15/17 या 17 × 5 = 85 डेसिमल लगा दोगे 15, 17 × 8 = 36 यानी 150 में 36 हुआ, बचा 14, फिर 17 × 8 = 36 यानी 5.88 पॉइंट के दो प्लेस तक ये लिखा जाएगा, कहोगे हाँ सर। ये आप याद कर लोगे तो कोई भी एग्जाम बैंकिंग का दोगे, एसओ का देगो, सब में यूजफुल है, लेकिन नहीं याद कर पाओगे तो कोई बात नहीं, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया, कहोगे हाँ सर। अब याद करिए, अगर आपने 1 से लेकर 10 तक याद कर लिया, 1 से लेकर 10 तक ही याद कर लिया, 1/6 की वैल्यू 16.66 हुआ, या 1/7 की वैल्यू 14.28 हुआ, 1/8 की वैल्यू 12.5% हुआ, या 1/9 की वैल्यू 11.11 हुआ। अब इससे वैल्यू, इसी की हेल्प से हम कैसे वैल्यू बताएंगे, देखो ठीक है। अब ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, याद करिए प्रैक्टिस के ऊपर कैसे करेंगे। देखो जैसे हमें पता, मान लो हमें पता है भाई 100% की वैल्यू कितना 1 होती है ना, कहोगे हाँ सर। 100% वैल्यू 1 होती है, हम अगर चाहें सर लेफ्ट हैंड साइड में 1 नंबर है, राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम 2 से भाग कर दें, यानी आधा करें 2 से भाग करेंगे, 100 का आधा कितना 50%, 1 का आधा कितना 1/2, यानी अगर हमें 100% की वैल्यू सर पता है तो आधा कर देंगे 100 की वैल्यू 1 हुआ तो 1/2, यानी 1 का 1/2 यानी 100 का 2, तो अगर 1/2 की वैल्यू हमें 50% पता है तो 1 की वैल्यू 100% होगा। इसको चाहे 2 से फिर भाग कर दो, अगर 1/2 को 2 से भाग करोगे 1/4 है कि नहीं, 1/2 से 2 से भाग करोगे तो 2 क्या हो जाएगा 1/4 यानी आधा, और ये 2 से भाग करोगे 25%, कहोगे हाँ सर। यानी अगर आपको आधे की वैल्यू 50% बता है तो उसका आधा 25% होगा, यानी 1/4 की वैल्यू 25, कहोगे अरे वाह सर बिल्कुल सही है, ये आपको बनाना पड़ेगा। फिर इसका आधा कर दो, 25% की वैल्यू 1/4, इसका आधा कितना 12.5, तो 12.5 की वैल्यू भाई 1/8, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, यानी 1/4 की वैल्यू 25 है तो उसका आधा 1/8 होता है, तो 1/8 की वैल्यू कितना होगा 12.5, कहोगे जबरदस्त सर वेरी गुड। और फिर से आप चाहो तो 1/8 का आधा सर,
तो 1/16 इसकी वैल्यू कितनी होती सर, 6.25। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यहां से आपने ये बताया कि अगर हमें 50% की वैल्यू 1/2 पता है तो 50 का आधा 25 की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। सर 1/4 की वैल्यू हमें पता है 25%, उसका आधा 1/8 होता तो क्या हो जाएगा, 12.5%। सर अगर 1/8 की वैल्यू पता तो 1/16 की वैल्यू, अभी हमें दो आधा आधा कर रहे हैं। अब हम आधा ना करके तिहाई चौथाई सब कर सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसा आधा करने में आसान है, तिहाई चौथाई को ध्यान देना पड़ेगा। कहोगे हाँ सर, तो अब आप बताओ, जैसे सपोज हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको 1/3 की वैल्यू पता है तो आप क्या 1/6 की वैल्यू इससे नहीं बता सकते हो? बता सकते हैं सर आधा। 1/6 की वैल्यू पता है तो क्या 1/12 नहीं बता सकते हो? सर बता सकते हैं, इसी का आधा। आपको ये चीज ध्यान देने की, अब याद करना होगा। अच्छा सर अगर हमें 1/7 की वैल्यू पता है तो क्या इससे हम 1/14 की वैल्यू नहीं बता सकते हैं? बता सकते हो सर। 1/21 की वैल्यू नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, जिससे भाग करना चाहो। अब बहुत सारे वैल्यू दिए रिलेटेड, जैसे मान लो आपको ये कह रहा है 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3 है, याद समझिएगा। हम 1/6 का मतलब दोनों में आधा करोगे तब 1/6 मिलेगा, आधा का मतलब 16 × 2 = 32, एक सही 1/3 का मतलब 4/3 यानी 2/3 हो जाएगा। ये इसका हाफ करो भैया तो कितना, यानी इसका 16 का आधा 8, 2/3 का आधा 1/3, यानी 1/12 की वैल्यू कितना हुआ, यानी 1/6 अगर आपको पता 16 सही 2/3, उसका आधा 1/12 की वैल्यू 8 सही 1/3, याद करो। कहोगे हाँ सर। आप 1/24 भी निकाल सकते हैं, जो आपको समझ। जैसे 1/7 की वैल्यू आप देखोगे 14 सही 2/7 अभी लिखा होगा, तो इसका आधा कर दो तो कितना होगा, 14 का आधा 7 सही 1/7, तो 1/14 की वैल्यू 7 सही 1/7 हुआ। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी हमने आधा किया। लेकिन आप यहां से आधा ही नहीं तिहाई भी कर सकते हो। हाँ सर क्यों, अगर 1/6 की वैल्यू 16 से इतना पता है सर, 1/18 लाने के लिए कितना भाई, 3 से भाग करना पड़ेगा, तो 3 से भाग करोगे कितना 18, 3 से भाग करोगे तो 3 × 5 = 15, 1 यानी 4 सही, 1 सही 2/3 का मतलब 4/3, इसको भी 3 से भाग करोगे तो ना, तो 4/9 हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, ठीक है। 5/9 ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ये तो था कि भाई याद समझेगा कि कोई भी वैल्यू पता है, यानी 25 पता है, 1/6 पता, आधा 1/12 पता, 1/9 पता है कितना 11 सही 1/11 1/9, तो उसका आधा 1/18 भी कंफर्म है। तो आधा करो, चाहे तिहाई करो, चाहे चौथाई करो, जो आसानी से सॉल्व हो जाए वो करो। एक तो ये हुआ क्या सर। अच्छा दूसरा और भी देखो, हम ये कर सकते हैं, जैसे हम मान लो बोल दें, ध्यान समझिएगा सर, 3/5 की वैल्यू निकालनी है, 5/4 निकालनी, डायरेक्टली परसेंटेज में करना। अभी तक तो बेसिक से किया था, 100 से गुणा कर देते आ जाता, लेकिन क्या सर दूसरा और कोई तरीका है? हाँ सर देखिए, 2/7 को करना। हाँ सर बिल्कुल, 2/3 को करना है। जी सर वेरी गुड, और क्या करना है सर? आपको कुछ भी बोल दिया जाए सर, मान लो 3/2 को सबसे आसान ये करना है। हाँ सर वेरी गुड, और क्या करना सर? यहाँ पर 5/8 इसको करना है। सबको भिन्न में प्रतिशत में बताना है, तो अगर डायरेक्ट जिसको बताना है, एक चीज याद रखो, हम क्या करेंगे देखो, 3/5 है ना, तो आप इसको ये बोल सकते हो ना, 3 × 1/5 बोल सकते हो। हाँ सर क्यों बोल सकते हैं, अगर 1/5 की वैल्यू ओरल पता है इसलिए बोल रहे हैं। तो 1/5 की वैल्यू सबको पता, हमें उम्मीद है 20%, तो 20 × 60, तो आप कहोगे सर 1/5 की वैल्यू अगर 20% है, उसका 3 × 60% होगा। सर 4/5 क्या होगा, 80% होगा, है कि नहीं? मतलब आप बता सकते हो कि 1/5, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा, ये डायरेक्टली प्रैक्टिस से जितना करोगे उतना क्लियर होगा। कहोगे हाँ सर। 5/4 है, कहोगे 5 × 1/4 करेंगे सर, 1/4 की वैल्यू प्रतिशत में क्या हमें पता सर, 25%, तो 25 × 5 = 125, ये हुआ। मतलब ये डायरेक्टली की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट है, बेसिक से भी 100 से गुणा कर दो तो भी तो आ जाएगा। कहोगे हाँ सर। 2/7 सर, हाँ सर 2/7 को हम कह सकते हैं 2 × कितना 1/7 सर, बिल्कुल 1/7 की वैल्यू हमें सर 14 सही 2/7% पता है, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, 14 × 28
और दो दुनाई चार, 28 से 4/7 हो जाएगा। अब यहाँ आप भिन्न एक बार जरूर देखिएगा, ब्रेक करने का तरीका देखिएगा। समझ में आया? कहो हाँ सर। तो ये एक बेसिक तरीका हो गया ना कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे। सर 2/3 है सर, 2 × 1/3 है, याद करो। तो 1/3 की वैल्यू 33.33 या 33.3, अभी दशमलव की भी बात नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट बात कर रहे हैं। को गुणा करेंगे 33 × 66 और 1/3 को 2 करोगे 2/3, यानी 66 सही 2/3, ठीक है ना? कहोगे हाँ सर। 3/2 है सर, 3 × 1/2, मतलब नीचे जो भी है 1 से लेके हमने 20 तक बताया है। 1/2 की वैल्यू सर 50%, 50 तिहाई कितना हुआ 150%। मतलब आप डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी है, ये हम आपको सिखा रहे हैं और आप इसको जो है अपने माध्यम से ही इजी बना सकते हो। 1/8 की वैल्यू 12.5%, 12.5 का 5 गुना कितना 60, यानी 62.5%। कहोगे हाँ सर, जबरदस्त है सर, वेरी वेरी गुड। एक तरीका ये हुआ, तो समझ में आया? कहो हाँ सर। वैसे और भी कह सकते हो, क्लियर ना? इतना क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा? चलो एक हमारे मन से बताओ, फिर आप बताओ। हमारे मन से मतलब एक बिल्कुल आसान 4/5, तो कहोगे और थोड़ा सा और टफ टफ देते ना, कहोगे सर आसान आसान दे रहे हैं। कहोगे 12/11, कहोगे हाँ सर। 8/7, कहोगे हाँ सर। इसको आपको बदलना परसेंटेज में, परसेंटेज में बदलिए। तो ये ऐसे नहीं बदलिए कि 100 से गुणा कर दो तब बदलिए, नो, ट्रिक से बदलिए, ट्रिक से। आप धीरे धीरे सीखोगे तब ना, ट्रिक से बदलिए। तो इसका यूज सब में करेंगे, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। सारा एग्जाम जो भी आप देगो परसेंटेज में, अभी चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे, रेशियो पढ़ोगे, सब करोगे, एक बार सीख लो भाई अच्छे से, तो हर बार वही उसी का यूज करेंगे। कहोगे हाँ सर। 13/6 ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो 28/9, कहोगे हाँ सर। और कुछ बताइए सर। तो कहोगे 35/16। आप इसको सब बदलिए, उसमें बदल देंगे। देखो कैसे करोगे भाई, ये तो सबको पता, 4/5, 4 × यार क्या करोगे भाई, 4/5 का मतलब नीचे 5 है ना, तो ब्रेक कर दो 4 × 1/5। तो 1/5 की वैल्यू अभी बताए थे 20%, 20% का 4 गुना कितना हो 80%, देखते ही बता दोगे। 12/11, देखो एक चीज ध्यान दो, जब ये करोगे ना, तो आपने बताया था 11 × 1 = 11, 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा और प्लस अलग से 11 × 1 = 11 और 1/11, मतलब 1 से 1/11 को 1 + 1/11 बोल सकते हो ना। कहोगे हाँ सर। तो सर एक बताओ प्रतिशत में क्या होता है, आप बताओ भाई, 100 होता है, 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11। ये आपको अगर नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन होगा ना, ये पता होना चाहिए। कहोगे सर 109 सही 1/11% आंसर, मतलब जितनी बार जाएगा 11 × 1 = 1 बार जाएगा, तो 1 का मतलब 100% होता है, बाकी 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11, तो 100 में इतना जोड़ोगे तो 109 से 1/11, इतना आसानी से बता दोगे ना। कहोगे हाँ सर। 8/7, 7 × 7 सर, 7 × 7 और प्लस कितना 1/7, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 100% सर, तो ये 100% हुआ और प्लस ये कितना हुआ 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, 114 सही 2/7%। वाह, ब्रेक तो हुआ है। कहोगे यस सर। ये सर 6 × 12 तो 1/6, यानी 2 बार गया, 2 जो जितनी बार जाएगा नंबर अलग कर दो, भाग अलग कर दो सर। 100% की वैल्यू 1 हुआ, 2 की वैल्यू, यानी 1 की वैल्यू 100%, 2 की वैल्यू 200%। वाह, और ये 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% ना। आप क्या करोगे, जोड़ दोगे तो कहोगे सर 216 सही 2/3%। ये हम इससे बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो है आप ऐसे करो, कुछ लोग ऐसे करेंगे 100 से गुणा करेंगे तब भी डायरेक्टली आ जाएगा ना। कहोगे हाँ सर। और तरीका भाई, 28, 9 + 27 और प्लस 1/9, तो 3 की वैल्यू भाई 300% और 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9, या आप बोलोगे 11.11, तो कितना हो जाएगा 311 सही 1/9%। बताओ कन्फ्यूजन है? नहीं भाई, 16 × 32 = 3, 35, तो 16 × 32 दो बार जाएगा और 3 बचेगा, नोमिनेटर 16 ही हो जाएगा। 2 की वैल्यू कितना हुआ सर 200%, सबको पता है, और 3/16 की वैल्यू, अब ये कन्फ्यूजन है, 3/16 फिर से आ गया सर। हम इसको फिर से कर सकते हैं सर, 3 × 1/16,
सर तीन की वैल्यू, तीन एक बटा 16 की वैल्यू, अब पता होगा सर एक बटा 8 का आधा, एक बटा 8 की वैल्यू 12.5%, उसका आधा 6.25। तो आप करोगे सर ये 200% और प्लस कितना हुआ, और ये अपना क्षेत्र 18.75। सर 218.75%, बताओ कोई डाउट है? ये टफ एक तरीके से हो गया, अभी डेसिमल्स वाले हैं, कहोगे सर ये भी टफ नहीं है, हमें समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, ये तो अभी हमने फ्रैक्शन से उसमें किया, परसेंटेज में। अब आप परसेंटेज को भी कह सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसे हो, ध्यान दीजिएगा 133.33% है, इसको आप बदलो भाई किसमें, भिन्न में बदलिए, ब्रेक करके आप बदलिए, इसी को उल्टा, यही बेसिक से नहीं, ध्यान दीजिएगा ट्रिकी अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। 216.67% याद करिएगा, 314.28% ना, 112.5% याद करिए। अगर ऐसा दिया तो अब आप इसको भिन्न में बदलना हो तो वही चेंज कर दो, उल्टा कर दोगे, भिन्न में कैसे भाई, भाई 133.33 है तो 100 और 100, 200, 300 के मल्टीपल में कुछ जुड़ा होगा, तो ब्रेक कर दो 100% की वैल्यू, एक सबको पता है, हमें पूरी उम्मीद है इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, तो वैल्यू पता है इसलिए हम लिख रहे हैं। कहोगे क्या सर 133.33 की वैल्यू का मतलब 100% और प्लस 33.33%, कहोगे हाँ सर, ये ब्रेक करके लिख दिया, क्यों लिख दिया है, क्योंकि 100 और 100, 200, 300 अलग कर लो, बाकी नंबर अलग कर लो, उसकी वैल्यू आपको पता है आसानी से, तो 100 की वैल्यू एक ना, एक प्लस 33.33 की वैल्यू 1/3, तो भाई 3 * 3 = 4/3, 4/3 ये लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे करोगे टफ हो जाएगा, माइंड में करना आपको कि भाई 100% की वैल्यू एक, 33.33 की वैल्यू 1/3, तो यानी एक सही 1/3 का मतलब 4/3, देखो 4/3 को ही तो अभी आप लोग लिखे थे ना, 3 * 3 एक अलग कर दो और 1/3 अलग कर दो, दोनों जोड़कर ही तो बताए थे, उल्टा कर रहे हैं आपको, कहोगे आपको उल्टा नहीं कर रहे, क्वेश्चन को उल्टा कर रहे भाई। चलो इसको बताओ दूसरा, सर अभी तो बताया था आपने, इसको कैसे ब्रेक करोगे, 100% और प्लस 12.5% ना, 100 में तो 100% की वैल्यू सर आपने 1 बताया था, 12.5 की वैल्यू 1/8, आप 8 * 1 = 8 और 1 * 9/8 आपने इसी वैल्यू बताया था, हाँ सर बताया था। 216.6 सर आप कहोगे 200% और प्लस जो है 16.67%, हाँ सर 200 की वैल्यू 222 होगा, मतलब 2 तो कन्फर्म है, और 16.6 हमने लिखवाया था भी डायरेक्टली, हम अभी उसका मल्टीपल नहीं दे रहे हैं, लिखवाने वाली वैल्यू दे रहे हैं 1/6, तो कहोगे 6 * 2 = 12 और 1 = 13/6, सर अभी लिखवाए भी थे आप 13/6 की परसेंटेज वैल्यू, यही तो थी वो फ्रैक्शन था, 314.28 सर आप कहोगे 100 के मल्टीपल 300 अलग कर दो और 14.28 अलग कर दो, 300 की वैल्यू सर 3 हुआ और इसकी वैल्यू कितना हुआ सर 1/7 ना, ये अगर याद होगा तभी तो 7 * 21 = 22/7, बताओ कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यानी अगर आपको ये वैल्यू पता है ना इसकी हेल्प से, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू इसलिए हम लिखवा रहे हैं ना, ये वैल्यू ये सब आपको पता है, अगर 10 तक पता है तो उसके हेल्प से हम मतलब 1/9 पता, 1/18 पता, 1/6 पता, 1/12 पता, यानी नीचे जो प्राइम नंबर है 1/11, 1/13, 1/17, 1/19 ये पता होना चाहिए, बाकी सारे इसी की हेल्प से आप बता सकते हो, बताओ यहां तो कोई डाउट है, जल्दी से थम्स अप बोलो यस या नो, बहुत बार परसेंटेज आप पढ़ चुके हैं हमें पता है, लेकिन भाई एएलपी फिर से एग्जाम देने जा रहे हैं तो नई तरीके से शुरुआत करना है, कहोगे हाँ सर। अच्छा अब बताओ सर इसका यूज क्या है, चलो देखो हम इसका यूज ऐसे नहीं आएगा, जैसे मान लो हम आपको ये कह दें 16.67% ना और ऑफ 9600, अगर इसका नंबर ये निकालना है, कहोगे सर ठीक है निकाल देंगे क्या दिक्कत है, अगर इसकी वैल्यू हमें पता होगी सर 1/6 ऑफ का मतलब इनटू होता है तो 960 थोड़ा आसान हो जाएगा, 6 * 6 = 36 यानी 1600 आ जाएगा, 16 * 6 = 96 1600 आंसर आ जाएगा, यानी अगर वैल्यू पता होगी ना तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। सर आपने अभी जो ये लिखवाया था ये इतना सब कन्वर्ट कराया, अच्छा कहाँ गया भाई, अच्छा अभी क्वेश्चन आ गया, ये सब सर इतना सब कन्वर्ट कराया इसका इस सबका क्या मतलब है अब मतलब है भाई ठीक है ना, चलो अब कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं आप बताओ क्या होगा, मतलब आसान आसान है भी बिल्कुल देख के आंसर बताओ, 60% 8225, 125% 8472, सर कुछ करना कहाँ है, हम 60% की वैल्यू कैसे हुआ सर 60 यानी 20% का 3 गुना हुआ, 1/5 का 3 गुना 3/5, अच्छा नहीं करो तो कोई बात नहीं, देखो 60 / 100 करोगे
यानी अपने आप इसकी वैल्यू 20 तिहाई 60, 20 5 तीन बटा पांच हुई कि नहीं हुआ, नहीं पता होगा तो बेसिक से भी कन्वर्ट करोगे, जरूरी थोड़ी कि वो सही करो। अब 125% है, अब जिसको पता होगा सर 25% का 4 गुना तो 25 चौका 25 125 125 चौका 100, तो 5/4 ऑफ का मतलब इंटू 8 4 7 2, ये तो करेगा ना, मतलब जो पता होगा जिसको डायरेक्टली ये करेगा, ठीक है। ये तो अगर यहाँ जीरोज नहीं है तो ये लिखना जरूरी नहीं, ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू यूज करना जरूरी है। अगर जीरोज होता तो कोई बात नहीं, तब फिर आप कट भी कर सकते हो, कहोगे हाँ सर अभी आगे देखेंगे सॉल्व करेंगे, 5 1 5 है सर, 8 2 2 5 है, 2 1 2 यहाँ भी है, 8 1 8 3, 5 1 5 3 8, 5 6 36, हाँ सर 2 32, और 5 6 20 5 25, 1645 इंटू 3, 16 3 48 और 45 3 135, यानी 4935 ये हो गया, हाँ सर। प्लस यहाँ 4 2 9 8, 4 1 4 4 1 4 4 8 32, तो 2018 को 5 से गुणा करो तो ब्रेक भी कर सकते हो ना, 2000 + 100 + 18, तो 2000 का 5 गुना 10000 हुआ, 10590 ना। अब जोड़ दो, अब जोड़ने में भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, जैसे इसकी क्या है भाई 4 की प्लेस वैल्यू क्या 4000 है, तो 4000 10000 14000 तो ये हो गया ना, और ये 900 500 9 5 1400 हो गया, और ये 3590 3590 125 हो गया, तो कहोगे 14000 15000 400 15525 ना, ऐसे भी कर सकते हो 15525 ऑप्शन नंबर ए। और कुछ लोग जो है स्लैश करके जोड़ेंगे, वो तो आपके ऊपर, जोड़ना कोई इशू नहीं है, आप ऐसे जोड़ सकते हो, यहाँ 5 है लास्ट में यूनिट डिजिट, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 है, 9 3 12 के 2 हुआ, कैरी 1 हुआ, 10 10 5 15 के 5 कैरी 1 हुआ, यहाँ 5 यहाँ 0 5 1, देखो बात तो वही है ना, चाहे वैसे जोड़ करो प्लेस वैल्यू के साथ चाहे ऐसे जोड़ करो, वो हम आपको बताए हैं ना, ठीक है। चलो समझ में आ गया, कहोगे यार बिल्कुल आसान था, इसको बताओ भाई आप। सर ये भी इजी था, देखिए एक तरीका ये हो सकता है, जैसे 80% है ना, तो 80% सर 80 2 100, अगर यहाँ एक आध जीरो और होता तो हम इसको नहीं करते, जीरो कट करके 8 का टेबल हमें पता है तो कर देते ना, लेकिन नहीं है तो इसको अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2080 4/5 इंटू 9235, कहोगे हाँ सर ठीक है। प्लस अब हम ये करें, जैसे 150% 2 100 करोगे, ऑफ का मतलब इंटू 9640, अगर आपको 150 का मतलब 15 का टेबल पता है तो जीरो कट कर सकते हो, नहीं पता है तो मत कट करिएगा, तब फिर फ्रैक्शन करिएगा, ये हम कह रहे हैं, अगर नहीं पता है तो यहाँ 5 3 15 5 9 10 ऐसे करिएगा, और पता है तो भाई यहाँ 1 0 1 0 कट करके 15 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो आसान समझिएगा ध्यान दीजिएगा वो करिएगा। अभी हमने फिलहाल नंबर को जो परसेंटेज दिया था सिर्फ इनमें बदला, अब बदल के सॉल्व कर लो, सॉल्व तो आपके हाथ में है, 5 1 5 4 9 5 8 40 2, और कहोगे सर 5 6 20 हुआ, 3 5 7 35, 1847 का 4 गुना 4 गुना 18 6 72 हुआ, 7200 ये हुआ, 47 का 4 गुना कर दो, चाहे से 4 7 28 हुआ, 4 6 16 और कितना हुआ 2 18 हुआ, 4 8 32 और 1 33 3 हुआ, 4 1 4 3 7, 7 10 388, यहाँ से 2 4 8 हुआ, और भैया 1 2 8 16 हुआ, 2 2 9 4 0, 3 से गुणा कर दो, 4800 का 3 गुणा बिंदु, चाहे 3 2 9 6 3 8 24, 3 6 12 और 1 12 2 14, 1400 1400 इतना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, जोड़ लीजिए। अब तो फिलहाल ये आंसर हमने जान कैसे दिया है, तो यहाँ आंसर कोई आएगा नहीं, जैसे यहाँ पे 8 0, यहाँ भैया 8 ही होगा, यहाँ 8 6 14 के 4 कैरी 1 हुआ, फिर भाई 4 4 4 8 ठीक है, और यहाँ पे 7 7 4 11 के 1 कैरी 1 हुआ, और 1 1 2, यानी 21848 दूर दूर तक नहीं है, इसका मतलब यही आंसर। जोड़ तो दोगे, मेन हम बता रहे हैं कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, जोड़ना आपके हाथ में भाई, इसको बताइए। 133.33% ऑफ इतना, 37.5% ऑफ इतना, अब आप बताओ सर कुछ नहीं है, अभी आपने तो बताया था इसको, क्या बताया था भाई, हमने बताया था सर 133.33 है ना सर, 100% प्लस कितना 33.33%, कहोगे हाँ सर, 100 की वैल्यू सर 1 हुआ, 33.33 की वैल्यू 1/3, यानी आप अगर इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो तो फ्रैक्शन में कर लो, यानी कितना हुआ 4/3 और ऑफ यानी इंटू 6930, कहोगे हाँ सर। प्लस अब 37.5% है, अभी हमने और टफ वाले नहीं किए, अब डायरेक्ट किए, डेसिमल्स वाले नहीं बात किए हैं, अब कुछ लोग ऐसे करेंगे 37.5% को भिन्न में बदलेंगे, ये ना यहाँ 25 1 25 5 25 चौका 100, जो बेसिक वाला था एक तरीका तो हुआ,
और दूसरा तरीका आपको समझना होगा, ये लास्ट में 0.5 है, तो 1 से लेके 20 तक जो लिखे हो उसमें 0.5 किस में आता है, 12.5% का 3 गुना है, तो 12.5% का 3 गुना, लेकिन ये समझना पड़ेगा 12.5% का 3 गुना है, 12.5 की वैल्यू 1/8 का 3 गुना, 3/8 ऐसे समझो, चाहे कन्वर्ट कर लो, ऑफ का मतलब 6472, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। बताओ आंसर, 3 दुनाई 6, 3 3 9, 3 1 4 गुणा कर दो 0, 4 1 4, 3 12, 4 2 8, 1 9, ये हुआ 8 से 8 9 64, 8 9 72, 3 9 27, 3 8 24, याद करो। अब इसको ऐड करना है सर, 0 7 चाहे ऐसे करो, फिर यहाँ पे 4 2 6 हुआ सर, 2 4 2 6 हुआ, 9 2 11, 11667, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, आसान है, इसको देखो। ये सब बता देंगे, हमें पता है, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, हमने जान के परसेंटेज की यूज किया, बहुत टफ वाले नहीं, आसान वाले। 40% सर, तो देखो 4 का टेबल जिनको पता है याद करो, 4 का, जैसे 40% और इंटू 92450, हम ये कह रहे हैं जैसे 4 का टेबल अगर पता है एग्जैक्टली सब जल्दी दिया जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते, 1 0 1 0 कट के 4 से 4 5 20, 4 2 16, 2 18, 4 2 8 और 1 9 4 और 4 9 36 ना, ये भी कर सकते हो, कहोगे हाँ सर, मतलब अगर 4 का टेबल पता तो 1 2 0 कट रहे हैं तो 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो 2/5 करते, 5 से भाग करके 2 से मल्टीप्लाई करते माइनस। यहां देखो 65%, 65/100 इंटू 8400, अगर आपको 65 का टेबल पता हो तभी टच करिएगा 0 को, नहीं पता है तो फिर मत टच करिएगा, अगर नहीं पता है तो बाई पार्ट में यानी 84 का भी टेबल नहीं पता तो फिर ऐसे करिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा, फिर यहां इसको करिएगा 5 से यहां 20 हुआ, 5 से यहां 13, 13 का पता हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा, 2 से यहां 2 से 2 चौका 8, 2 4, यहां 0, 13 2 9 26, 13 चौका 52 और 2 कितना 54, ठीक है। मतलब अगर 65% का मान, ये 65 और 84 में किसी का टेबल पता होगा तो ठीक है डायरेक्टली करो, जैसे 4 पता था, नहीं तो फिर इसको भिन्न में बदलो। अब तो सॉल्व करने कोई इशू नहीं, 0 हुआ, 8 में से 6 गया कहोगे सर 2 हुआ, 9 में से 4 गया यहाँ 5 हुआ, 6 में से 5 गया 1 हुआ 3, यानी 31520, तो इसमें बहुत दूर तक नहीं है, कहोगे नन ऑफ द, माइनस तो आप लोग अपने आप करोगे, लेकिन हम परसेंटेज की वैल्यू बता रहे हैं, सिर्फ ध्यान समझेगा, कहोगे जी सर। चलो इसको बताओ, 225% आप 3600 और 120% आप 7200, ये आपके ऊपर है कैसे सॉल्व, दोनों बता रहे हैं। देखो 225% 2200, ऑफ का मतलब 3600, इसको कट तब करिएगा जब 225 का टेबल या 36 का टेबल याद हो, और नहीं याद है तो फिर ये करोगे 25 नवैया 25 चौका 100, तब ये करिएगा, ध्यान देगा ना, यहां से 4 से 4 9 36 9 9 81 100, अगर नहीं याद है टेबल ध्यान दीजिए तब ये करिएगा कि ये इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितना हुआ 9/4, और वैसे 225% का मतलब कितना हुआ 200% प्लस 25%, 200 की वैल्यू कितना हुआ 2 प्लस 1/4 यानी 9/4 डायरेक्ट बोल सकते हो ना, है कि नहीं, जहां पे यानी ये भी अगर ओरल करना है माइंड में तो ये भी कर सकते थे ना, 200% प्लस 25%, 2 की वैल्यू 2 प्लस 1/4 यानी 9/4, 4 2 8 और 1 9/4, कहोगे वाह सर वेरी गुड। इसको बताओ, देखो 120% / 100 करोगे, ऑफ पर 7200, हम ये कहना चाह रहे हैं ये तभी कट करिएगा जीरो जब आपको 12 का या 72 का टेबल पता है, 12 का टेबल हमें उम्मीद है सबको पता होगा, तो यहां कट कर सकते हैं, तो ये बोल सकते हैं 0 यहां 12 2 9 24 हुआ, 12 से 84 और 2 कितना हुआ 86, हम ये बोल सकते हैं, मतलब देखो 1 0 बढ़ा के 12 से हम मल्टीप्लाई तो करना, 2 0 कट गया, कहोगे सर अगर टेबल नहीं याद होता तो क्या सर करते, नहीं करते भाई, तो इसलिए ऐसा करेंगे, तो जोड़ दो, आप तो जोड़ने में कोई इशू नहीं, 0 हुआ यहाँ 4 यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ देखो 1 6 और 1 कितना 7 और 8 8 16, 16740 कहीं है, कुछ नहीं है भाई, हमने जान के ननाव भी वो दिया है, ठीक है ना, कहोगे यस। अगला 112.1 इतना, ये भी बता दो भाई जल्दी से बताइए, कहोगे सर जल्दी से क्या, 112.5 अभी तो आपने बताया था क्या होता है इसकी वैल्यू, कहोगे सर हाँ ये जरूर करोगे क्योंकि ये जीरो है भी नहीं, 100% + 12.5% याद करो उसका यूज, तो 100 की वैल्यू 1 और 1/8 यानी 9/8 सर इसकी वैल्यू होती है, हम अगर 112.5 का मतलब 100% + 12.5% ये भी आपने बताया सर, तो 9/8 यानी 100 1 + 1/8 यानी 9/8 इंटू कितना 3248, हाँ सर प्लस 16.67 अभी डायरेक्टली आपने लिखवाया था 1/6 इंटू 6498, बस सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 8 चौक 32, 8 6 48, यहाँ से 9 चौक 36, 9 6 54, ये प्लस 6 कम 6
नहीं जाएगा 0-6-8-48 1-6-3-18 बस जोर तो जो आएगा ना सर, यहाँ सर 4-3-7 8-5-13 के 3 कैरी 1-7 और 3-1-4 4-7-3-7 हाँ सर ये बता कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ सर ये डाउट होगा, हमें पूरी उम्मीद है बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, इसको आप लोग नोट करिए, हम इसको नहीं कराएंगे, हमें पता है। देखो हम इसकी वैल्यू 22.22 किसका मल्टीपल होगा 11.11 का दोगुना, यानी 2/11 इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे? इसकी वैल्यू 1/12 तो आप लोग लिखे होंगे, इसकी वैल्यू 2/3 लिखे होंगे, कन्वर्ट करो। लेकिन कैसे लिखेंगे ये जो ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल वाले यानी डेसिमल समय पता होना चाहिए वो ध्यान देंगे। दो क्वेश्चन एक ही है ये आप आज हमारी तरफ से होमवर्क है, हम इसकी वैल्यू लिख दे रहे हैं, नहीं इसकी वैल्यू 2/11 ये ध्यान नहीं दिए, ये वैल्यू कितना 2/9 कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू 2/11 ये वैल्यू याद करिए 20/19 कैसे हमने लिखा, हम लिख भी दे रहे तब आप बताओ इसकी वैल्यू ध्यान दीजिएगा 4/9 हमने कैसे लिखा, आप ये सोचिए तब बताइए। ठीक है आज के लिए इतना ही, ये सोचिए बताइए मतलब ये हुआ जो हमने स्टार्टिंग लिखवाया भाई ना, ये सब क्वेश्चन है अभी तो आपने ये किया, अब आपको ये भी याद रखना है जो पॉइंट के टू प्लेस थे ना, यानी 11.11 की वैल्यू 1/9 हुई, इसका डबल करेंगे तो 22.22 आएगा, ट्रिपल करेंगे इतना, तो कैसे करते, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स किसके साथ क्या यूज होगा, ये आप जब दो प्लेस तक वैल्यू याद करेंगे तब क्लियर होगा, तो वैल्यू याद करिए पहले, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने उसको टच नहीं किया वो पार्ट है। ठीक है ना, तो बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, हमने परसेंटेज फिर से पढ़ लिया थोड़ा सा, परसेंटेज का मतलब अभी हमने उसका सिर्फ कन्वर्जन बताया है, अभी तो कुछ पढ़ा नहीं है, कन्वर्जन बताया है। और कन्वर्जन एक ऐसा है, ये मतलब ऐसा टॉपिक है, टॉपिक का मतलब ऐसा ये टर्म्स है जो सब में यूज होगा। डेली हम आपसे भाई 7 बजे यानी शाम को 7 बजे मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है ए एल पी का टेक्स्ट पेपर भी, यानी एक टेस्ट पेपर जो आप जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी उनके लिए टेस्ट पेपर लेके आएंगे, और बाकी जिनको जिस टॉपिक में डाउट है वो टॉपिक भी दोबारा डिस्कस करेंगे। और इसके पहले किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट हो भाई तो आप वो टॉपिक का नाम डालिएगा और भाई शिवानंद सर के नाम से जाएंगे, स्टडी 91 डालिए चाहे स्टडी 91 चैनल पर जाएंगे, ठीक है लिखेंगे यूट्यूब पे वो आ जाएगा स्टडी 91, उस पे आपकी मुलाकात हमसे होगी। और अब जो है डेली जब तक आप एलपी का पेपर निकाल नहीं लेते हो तब तक कोशिश करेंगे हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है मुलाकात का मतलब आपसे जो है कुछ डिस्कस करेंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी, और कोशिश करेंगे कि भाई पूरी तरीके से हमारा आपके सिलेक्शन में हाथ हो। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट समय फिर से भाई डेली 7 बजे आपके साथ रूबरू होंगे, और आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी ले आइए भाई, और जिससे और मजा आएगा सेशन। कमेंट थोड़ा सा नहीं पढ़ते क्योंकि सामने लैपटॉप में रखते, जिससे कमेंट में ध्यान ज्यादा ना जाए, ठीक है ना। चलो फिलहाल आप लोग लिखिएगा, पढ़ेंगे जरूर लेकिन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट समय मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।